बढ़ती गर्मी के बीच इस वक्त ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा गर्माया है और सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और अखबारों की हेडलाइंस बना ज्ञान व्यापी मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। वाराणसी की एक अदालत के आदेश के बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे करवाया गया। यह सर्वे 3 दिनों तक चला और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश होनी है। हालांकि सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को पेश होनी थी, मगर सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं होने की वजह से इसकी तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी गई और अब 19 मई यानी गुरुवार को इसकी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाएगी और अदालत रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अदालत में रिपोर्ट पेश होने से पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत के फैसले से पहले हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर के अंदर कुएं में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष इन दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई दावे किए गए, जिसमें कहा गया कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरवाकर ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई थी। सदियों पुराने विवाद पर अब राजनीतिक पार्टियां सियासी रोटियां सेकने में जुटी हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दल ज्ञान व्यापी का मुद्दा उठाकर आने वाले चुनाव को देख रही है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी मसले पर अगली सुनवाई के दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाएगा और पूर्ण न्याय करेगा। वहीं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने कानून पढ़ा है और डिग्री भी हासिल की है। जब वह कहते हैं कि ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण कराना पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, तो वह लोगों को गुमराह करते हैं। अधिनियम में इससे कोई लेना देना नहीं है। जब कोई मस्जिद या मंदिर गिराया जाएगा तभी इस अधिनियम का उल्लेख किया जा सकता है या अवैध नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में निर्देश दिया है। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई राजनीतिक दल और मुस्लिम संगठन इस सर्वे की संवैधानिकता पर सवाल उठा रहे हैं। इसके लिए उपासना स्थल अधिनियम यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया जा रहा है। बता दें, इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म की उपासना स्थल में बदला नहीं जा सकता। खास तौर पर इस एक्ट की धारा 4 के अनुसार किसी को भी किसी ऐसे धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने या अन्याय कानूनी कार्रवाई शुरू करने की इजाज़त नहीं देता है। कानून के मुताबिक आज़ादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसे था वैसे ही रहेगा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा सरकार ज्ञान व्यापी और ताजमहल जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने अपने फायदे के लिए कई विपक्ष बना दिए हैं और आजकल सपा से मुसलमानों को दूर करने की कई दलों की साजिश भी चल रही है, जिसे जनता कामयाब नहीं होने देगी। बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर वाराणसी की एक अदालत ने 12 मई को अपना फैसला सुनाया था और 17 मई को रिपोर्ट पेश करने को कहा था, मगर सर्वे की रिपोर्ट पूरी नहीं होने के चलते कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर ने 2 दिन की मोहलत मांगी थी और अब 19 मई को सर्वे की रिपोर्ट अदालत में दाखिल होगी। टीवी लोकल।